जो आज का हमारा टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो होगा एनिमेशन इन पावर पॉइंट। GCF ग्लोबल में सबसे पहले ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा माइलस्टोन कौन सा है, 19। बल्ब बंद है, ठीक है। अच्छा देखिए 19 में क्या है, एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। टेक्स्ट क्या होता है आपको पता होगा, टेक्स्ट क्या होता है, किसी भी किस्म का जो फॉन्ट होता है उसको टेक्स्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अगर आपने कोई पिक्चर लगाई हुई वो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट लगा हुआ वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपने कोई वीडियो लगाई वो भी एक ऑब्जेक्ट है, हेडिंग लगाई वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हर वो चीज़ जो आप जिसको मूव कर सकते हैं, जिसको तसव्वुर कर सकते हैं या रख सकते हैं वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पुरानी स्लाइड ओपन करता हूँ, लास्ट क्लास डिज़ाइन एलिमेंट्स एक दफ़ा मैं डिज़ाइन की थी, ठीक है। तो इस स्लाइड को मैं करंटली शो कर रहा हूँ, तो एनिमेशन है क्या, सबसे पहले आपके पास ये शो हो रहा है, मैंने कोई बटन दबाया तो फिर ये शो हुआ, ठीक है। ये सारा एनिमेशन से आता है, एक एक बटन दबाता जा रहा हूँ, एक एक लाइन आपको शो करता जा रहा हूँ। अगर सारा टेक्स्ट या सारा कंटेंट आपको एक ही दफ़ा शो कर दिया जाए तो सामने वाले को समझाना मुश्किल हो जाएगा या वो बोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा चलिए एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, GCF ग्लोबल पे ओपन कर लिया एनिमेशन, ये रहा 19, इसको मैं टॉप पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को मैंने डाउनलोड कर लिया, प्रेजेंटेशन को, ठीक है। इसके बाद देयर द फोर टाइप्स ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है, टेक्स्ट इधर से उठ के आ रहा है, इधर से उठ के आ रही है, इमेज इधर से आ रही है, एक स्टाइल में आ रही है, इसको एनिमेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा इन एनिमेशन में चार किस्म की होती है, एक होती है एंट्रेंस, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रही होती है, ठीक है, वो एंट्री कैसे कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी होती है, एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब किसी भी चीज़ को वाजे करना, शो करना, यानी एक चीज़ लिखी हुई है वो और बड़ा करके दिखा देगा, ठीक है, यानी आपके अट्रैक्शन उसकी तरफ खींचेगा, ठीक है। और एग्जिट क्या होगा, वो आउटरो कैसे करेगा, एग्जिट कैसे करेगा, जाएगा कैसे, ठीक है। और जो चौथी ट्रांजिशन है वो है मोशन पाथ, यानी आप कोई एक डायरेक्शन देते हैं कि यहाँ यहाँ से होती हुई उस मूवमेंट में आ जाए, ठीक है। यानी मैं टेक्स्ट लिखा हुआ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से ऐसे घूम के फिर वापस इस पोजीशन पे आए, तो मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा, एक ऐसे ड्रॉ करूँगा और ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी एनिमेशन होगी, पाथ। तो हमारे पास ये दी हुई है, ठीक है, लाइन एक्सेस मतलब इस तरह से भी मूव हो, ठीक है। अच्छा एनिमेशन आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट, जिसको आप एनिमेट करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑन द एनिमेशन टैब, ये सारा काम एनिमेशन के टैब में होगा, ये एक कम्प्लीट टैब है, ठीक है। तो इसके अंदर जाएंगे, क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो, ये नजर आ रहा है मोर, ये मोर है, यानी मजीद आप देख सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी आपके पास ट्रांजिशन शो होंगी, ठीक है। अच्छा कोशिश कीजिएगा आप लोग यहाँ पे देखिएगा जब ट्रांजिशन एनिमेशन अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पीसी थोड़ा सा स्लो चलेंगे और ये फास्ट चलेगा, ठीक है। वहाँ टेक्स्ट नीचे से ऊपर आएगा आपको पता नहीं चलेगा, और यहाँ नज़र आएगा आपके सामने, ठीक है। तो द इफेक्ट विल अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट द, ठीक है। यहाँ पे देखें इसने क्या किया, एक पावर पॉइंट की डाउनलोड किया है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा एक ये प्रेजेंटेशन है जिसमें स्पेस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये कौन सा, ये एक बेसिक क्विज प्रेजेंटेशन है, ठीक है। यानी एक सवाल दिया हुआ, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वर्क ऑन द मून, मून पे सबसे पहले कौन गया था, कौन चला था, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रांग ये गया था, इसने पहला कदम रखा था। और चांद पे दूसरा कदम किसने रखा था, इसी ने रखा था, क्योंकि दूसरी टांग भी थी इसके पास, ठीक है। तो इसके अलावा ये सन के बारे में, ये सवाल है, ये इसका जवाब है, ठीक है। और क्विज का अंदाज ये होता है कि जैसे लेट्स सपोज कोई क्विज शो करना, पहले सवाल शो किया जाता है और लोगों से तजस्सुस खींचा जाता है, तवज्जो खींची जाती है, जब सामने वाला हार मानते हैं फिर जाके जवाब शो करते हैं। तो इस वजह से क्विज की ऐप आपको शो की जा रही है, ठीक है। ये एक्चुअली ऐप है, सॉरी ये इमेज है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये आंसर भी एक ऑब्जेक्ट है, और ये सीरियल नंबर या क्वेश्चन नंबर ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा प्रेजेंटेशन समझ में आ गई है क्या, ठीक है। एक सिंपल क्विज है, टेस्ट गेम है, क्विज टेस्ट को कहते हैं, ठीक है। अच्छा आप आते हैं, इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा मूव करे, नीचे से ऊपर की तरफ आए, ठीक है। तो मैंने इसको इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, कहाँ पे क्लिक करके, इस बॉर्डर पे, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, मैं डिलीट दबाऊंगा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड किया, वापस आ गया। तो यहाँ पे एनिमेशन का टाइप नजर आ रहा है, तो आप यहाँ से इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास एनिमेशन शो होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें आपको समझ में आ रहा होगा, फ्लाई इन पे क्लिक करता हूँ तो नीचे से आ रहा है, फ्लोट इन इतने आराम से आ रहे हैं।
तो आपने करना क्या है, यहाँ पे मोर मतलब मजीद, ये सारी की सारी आपके सामने शो हो जाएंगी। ठीक है, आप इसको वन बाई वन ट्राई करें कीजिएगा, जो आपको पसंद आ रही है वो लगा लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो असाइनमेंट में होगा वो करना होगा। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पे ये स्प्लिट टूटेगा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारी प्रेजेंटेशन देखें इस तरह से स्प्लिट हो रही है। ठीक है, और वाइप इस तरह से आ रही है। तो ये बहुत सारे स्टाइल के नाम हैं, इसको देखें, इसको टेस्ट करते हैं रैंडम बार्स। ठीक है, इस तरह से शो हो रही है। तो ये बहुत सारी कौन सी है, ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस मतलब एंट्री, जब प्रेजेंटेशन ये स्लाइड ओपन होगी तब ये आएगा। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, इम्फेसिस, यानी किसी भी चीज़ को तवज्जो की तरफ लाने या उसकी तवज्जो आप मतलब किसी भी चीज़ की तवज्जो आप मबजूल करा रहे हैं, यानी किसी की अट्रैक्शन खींच रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर कुछ लिखा हुआ उसको और बड़ा करना है तो उसको और मतलब बोल्ड कर देगा, बड़ा कर देगा, दिखा देगा। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहली एनिमेशन कौन सी है, एंट्रेंस जो स्टार्टिंग में होती है, और दूसरी कौन सी है, इम्फेसिस जो आप वाजे कराना चाह रहे हैं जो चीज़। ठीक है, एग्जिट आपको पता है कि कोई भी चीज़ एंडिंग की तरफ जा रही है। और ये इसके अलावा देखें नीचे, एग्जिट हो गया और यहाँ पे मोशन पार्ट नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है नीचे, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें मोशन पार्ट भी आपके सामने शो हो जाएगा। पार्ट मतलब जो आप डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो टेक्स्ट है ना ये वाला, पहले नंबर पर सेलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ। एनिमेशन को डिलीट करने का तरीका क्या है, नंबर पर क्लिक किया डिलीट हो गया। अच्छा मैं इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर आया, मैं चाह रहा हूँ ये फ्लाई इन लगाऊँ ताकि नीचे से आराम से उठ के ऊपर आए जब स्टार्ट हो। अच्छा मैं चाह रहा हूँ इसके डायरेक्शन चेंज कर दूँ, मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट साइड से इधर आए, तो यहाँ पर देखें इफेक्ट ऑप्शन इसके साथ ही शो हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट, नज़र आ रहा है, फ्रॉम टॉप राइट, फ्रॉम मतलब बहुत सारे डायरेक्शन आप फ्रॉम लेफ्ट करते हैं, अब ये लेफ्ट साइड छोड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये एक एनिमेशन अप्लाई होगी। ठीक है, 11 क्लियर आपको। अच्छा आप इस करंट स्लाइड को शो कर रहा हूँ, करंट स्लाइड इस पर जैसे क्लिक किया, ठीक है, मैं जैसे कोई बटन दबा रहा हूँ ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, कोई सवाल है, चलें आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं। देखिए इसने क्या किया कि कौन सा टेक्स्ट सेलेक्ट किया, चलिए ये चार एनिमेशन के टाइप उसने बता दिया, एग्जिट क्या होता है, डोज कंट्रोल हाउ द ऑब्जेक्ट एग्जिट द स्लाइड, स्लाइड कैसे एग्जिट करती जब वो आएगा। ठीक है, और ये मोशन पाथ जो आप पर्टिकुलर डायमेंशन में देना चाह रहे हैं, जो आप अपनी मर्जी की डायरेक्शन देना चाह रहे हैं कि टेक्स्ट ऐसे घूम कर आए यहाँ तक आए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा ये देखें लाइन लिखा हुआ ना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब लाइन नीचे से ऊपर तक, टेक्स्ट को नीचे से ऊपर तक मूव करवा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं सर्कुलर वे में तो सर्कल शेप लगा देंगे। ठीक है, अगर आप कस्टम चाह रहे हैं कोई भी मर्जी से लगा सकते हैं। अच्छा टू अप्लाई एन एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट, अप्लाई कैसे कहते हैं एनिमेशन को, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्ट किया, क्या किया ऑब्जेक्ट को, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से बॉर्डर पर क्लिक करके ये पूरा ऑब्जेक्ट क्लिक सिलेक्ट हो गया। आप क्या करेंगे, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ एनिमेशन यानी मोर के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत सारे जो फ्लाई इन लगाई इस नीचे से आ रहा है। अच्छा तो अफेक्ट विल अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको करके दिखाया था। ठीक है, द नंबर ऑब्जेक्ट विल हैव अ स्मॉल नंबर नेक्स्ट टू इट शो दैट इट हैज़ अ एनिमेशन। अच्छा ये आपके पास नंबर शो होगा, इसका मतलब ये कि आपकी एनिमेशन लग चुकी है। ठीक है, इन द स्लाइड पेन, ये स्लाइड पेन है ये बहुत सारी, तो यहाँ पर आपके पास स्टार शो हो रहा होगा, इसका मतलब ये कि इस स्लाइड पर एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द मेन्यू यू कैन एक्सेस एडिशनल इफेक्ट, आपके पास मेन्यू में नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मजीद मिलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं यहाँ से मोर पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको लग रहा है एंट्रेंस तकरीबन 10-12 हैं। ठीक है, ये भी 10-12 है, मैं चाह रहा हूँ सो ये बहुत सारी हैं इनको ओपन करूँ। मोर एंट्रेंस इफेक्ट, मोर मतलब मजीद, एंट्रेंस इफेक्ट को जैसे क्लिक करते हैं ये सारे के सारे इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको साइड पर करता हूँ, आप स्क्रीन पर देखें यहाँ पर, अगर मैं राइस अप करता हूँ तो नीचे से उठ रहा है। ठीक है, बेसिक जूम कर रहा हूँ तो इस तरह से जूम हो रहे हैं। ये हर एनिमेशन को आप लोग वन बाय वन ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सही है, टेक्स्ट को कैसे शो करना है, ये फैड हो गया, बिल्कुल मामूली सा आया, जूम करके दिखाया गया इस तरह से। ठीक है, ये बहुत सारे नाम है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ दोबारा आता हूँ, मोर एम्फेसिस इफेक्ट, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एम्फेसिस इफेक्ट आएंगे, यानी किसी भी चीज़ को आपने वाजे करवाना है। ठीक है, इम्पोर्टेंस देनी है उसको। अगर इसके अलावा मोर एग्जिट इफेक्ट आपके पास बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, और जो आपको पसंद आए जैसे वाइप पसंद आए तो यहाँ पे ओके किया वो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है,
ठीक है, एनिमेशन ही वो एकदम से गायब हो गया। चलें इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको फ्लाई इन कर देता हूँ और इसकी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट कर देता हूँ। चलें आप लेफ्ट के बजाय फ्रॉम टॉप करता हूँ, ऊपर से आए, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑप्शन आपको शो हो गया। ये मैंने आपको बता दिया किसी भी एनिमेशन पे आपने डायरेक्शन चेंज करना हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने आपको फ्रॉम टॉप करके दिखाया अभी, ठीक है। टू रिमूव एन एनिमेशन, एनिमेशन रिमूव कैसे होगी, नंबर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद डिलीट की प्रेस, डिलीट की ये वाली डिलीट की प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वर्किंग विद एनिमेशन, एनिमेशन के साथ काम कैसे करते हैं ये बता रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, क्लिक द एनिमेशन टैब, इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप, क्लिक एड एनिमेशन कमांड टू व्यू द अवेलेबल एनिमेशन, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ, एड एनिमेशन नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास बहुत सारे आपके पास ऑप्शन शो हो रहे हैं। चला मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ आता हूँ, तो ये एनिमेशन का ग्रुप है, ये एडवांस एनिमेशन का ग्रुप है, मतलब ये वाला ग्रुप एडवांस एनिमेशन का। तो यहाँ पे एड एनिमेशन देखें, यहाँ से भी शो हो रहा है और यहाँ से भी शो होता है, ठीक है। और ये क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा ये ऑल एट वंस एक साथ करना चाह रहे हैं, ऑल एट वंस एक सारे एक साथ ही होगा, ठीक है, या फिर वन बाय वन करना चाह रहे हैं, या बाय पैराग्राफ करना चाह रहे हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में भी आएगा, इसको ट्राई करेंगे। अच्छा एड एनिमेशन नज़र आ रहा है आपको, मैंने क्या किया, स्वाइवल कर दिया, ये थोड़ा सा मूव होके आएगा, घूम फिर के ऐसे ऐसे से आएगा, ठीक है, ये इसका इफेक्ट है। अभी फिलहाल इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देना टू को, वन पे क्या है फ्लाई इन लगा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास टाइमिंग वगैरह भी शो हो रही होगी, ठीक है, टाइमर आप देख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपके पास एनिमेशन डिले आ रहा है, प्ले द एनिमेशन आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड में शो कर रहे हैं, और ये ड्यूरेशन कितना है, एनिमेशन की लेंथ के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, एड एनिमेशन में क्लिक किया, पल्स किया, तो ये पल्स होके आएगा सामने। इफ़ द ऑब्जेक्ट हैज़ मेड मोर देन वन इफेक्ट, अगर आपके पास एक से ज़्यादा इफेक्ट हो, इट विल हैव अ डिफरेंट नंबर फॉर ईच इफेक्ट, अगर आपके पास दो तीन एनिमेशन अप्लाई किए तो दो तीन नंबर भी शो होंगे, ठीक है। अच्छा टू री ऑर्डर द एनिमेशन, अच्छा एनिमेशन को री ऑर्डर कैसे करते हैं, मतलब पहले कौन सी एनिमेशन चले उसके बाद कौन सी एनिमेशन चले, इसको ऑर्डर वाइज कैसे करते हैं, सेलेक्ट द नंबर यू वॉन्ट टू इफेक्ट यू वॉन्ट, ठीक है, जिसे नंबर को सिलेक्ट किया, फ्रॉम द एनिमेशन टैब क्लिक द मूव अर्लियर, यानी मूव अर्लियर करेंगे तो एक नंबर पीछे चलेगा, जल्दी आ जाएगा, अगर मूव लेटर करेंगे तो एक नंबर बाद में चलेगा, अगर वो टू होगा तो थ्री हो जाएगा, थ्री होगा तो टू हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, इसी के ऊपर मैं एक और एनिमेशन लगाता हूँ, एड एनिमेशन, एक ये पल्स वाली लगा देता हूँ, ठीक है। एक एनिमेशन लगी थी लेफ्ट साइड से, टॉप साइड से आ रही है, और एक एनिमेशन लग रही है पल्स, मतलब ये फूल रहा था ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा मैं टू पे क्लिक करता हूँ, ये नंबर पे, तो ठीक है वन पे क्लिक किया, आप बताएं अर्लियर, ये देखें मोर लेटर, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये टू हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, मतलब आगे पीछे हो जाएगा, मूव अर्लियर, इसको ऊपर नीचे मूव कर देंगे, ठीक है, यानी पहले कौन सी शो हो और दूसरी बाद में कौन सी शो हो। एनिमेशन पेन पे आते हैं, यहाँ पे भी आपके पास ऑर्डर में शो हो रहा है, अगर आप इसको नीचे कर उठा के लें ये नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर, द क्लिक द ऑब्जेक्ट डेट हैज द इफेक्ट यू वॉन्ट टू कॉपी, इफ इन अवर एग्जाम्पल वी विल क्लिक अवर आंसर टेक्स्ट, पहले इसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं, टू कॉपी एनिमेशन विद द एनिमेशन पेंटर, यानी एनिमेशन को कैसे कॉपी करते हैं एनिमेशन पेंटर से, ठीक है। क्लिक द ऑब्जेक्ट डेट हैज द इफेक्ट यू वॉन्ट टू कॉपी इन अवर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे एक क्या लगी हुई, एनिमेशन लगी हुई है, तो उसको कॉपी करने का तरीका क्या आ रहा है, फ्रॉम द एनिमेशन टैब क्लिक द एनिमेशन पेंटर, आप इस पेंटर पे जैसे क्लिक करेंगे जो एनिमेशन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगी वो उठा लेगा और आप जहाँ लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे लगा देगा। क्लिक द ऑब्जेक्ट यू वांट टू कॉपी द इफेक्ट इन अवर एग्जांपल वी विल क्लिक द आंसर टेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड बोथ ऑब्जेक्ट नाउ हैव द सेम इफेक्ट, ठीक है, यानी वो ब्रश उठा के यहाँ पे फेर दिया तो यही एनिमेशन यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। अच्छा टू प्रीव्यू द एनिमेशन क्या होगा, नेविगेट टू द स्लाइड यू वांट टू प्रीव्यू, ठीक है, उस स्लाइड को आप ओपन करेंगे या उस पर जाएंगे जो आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है, ये एनिमेशन का प्रीव्यू, स्लाइड का प्रीव्यू नहीं बता रहा, एनिमेशन का प्रीव्यू, ठीक है, देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है ये रहा, ठीक है।
अच्छा कितनी एनिमेशन अप्लाई की, दो। अब इसको ट्राई करते हैं, सही है, दो एनिमेशन आ रही है। मैं चाह रहा हूँ मूव अर्लियर कर लो, पहले ऊपर से आए फिर ऐसे से ब्लिंक करें, ठीक है। अब समझ आया आपको? सबको वन बाय वन करना चाह रहे हैं ना आप? आ जाएगा, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी अभी फिलहाल लगाने का तरीका बता रहा हूँ, लगाने का सीक्वेंस क्या होगा, अब इस पर आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखें यार, सही कह रहे हैं आप, ये चाह रहे पहले सवाल आए उसके बाद जवाब आए, आ जाएँ, रुक जाओ, थोड़ा सा हौसला रखें, पहले लगाना सीखते हैं और पहले इसका डेमो करवा रहा हूँ कि होता है क्या। अभी फिलहाल आपको ये समझाने की कोशिश करूँ एनिमेशन होता क्या, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे इस पर भी अप्लाई करेंगे, अगर मैं इस पर सिलेक्ट कर देता हूँ, इस पर तीसरे पर लगा देता हूँ, ठीक है, इस पर भी फ्लाई इन लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस पर तीसरा नंबर आ रहा है, अब मैं इस करंट स्लाइड को शो करता हूँ, पहले नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे दोबारा इसने एनिमेट किया, तीसरे पे हम लोगों ने आंसर को फिट किया हुआ था, तीसरे पे आंसर आ गया। ये मैं बटन दबा रहा हूँ, सही है, ये मूव कब कर रहा है, बटन दबा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी ऑटोमेटिक पे नहीं लगाया हुआ, अभी मैंने बटन पे लगाया। ये स्पेस दबाते हैं या क्लिक दबाते हैं या ऊपर नीचे की एरो कीज दबाते हैं तब भी स्लाइड चेंज हो जाएगी, और जाहिर सी बात है ऊपर की एरो की दबाएंगे ऊपर चलेगा पीछे चलेगा, या इस तरफ की एरो की दबाएंगे पीछे जाने के लिए पीछे चलेगा, अगर आगे जाने के लिए राइट की, ठीक है। इसको वन बाय वन करेंगे। आपका सवाल का जब इसी में हो गया कदीर, समझ में आ गया। अब ये वन बाय वन करना है, इनको नंबरिंग देनी, कौन सी चीज़ कब शो करनी, ये नंबर यहाँ से जैसे थ्री पे गया, नंबर को सिलेक्ट किया, मूव अर्लियर, अभी इसको टू बना दिया, पहले आंसर पहले एनिमेट करेगा फिर टू आएगा फिर तीसरा आएगा। चले मैं उलट कर देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आंसर पहले आए, टू पे क्लिक किया, मूव अर्लियर, ठीक है, आंसर पहले आएगा सवाल बाद में आएगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, यहाँ से प्रीव्यू करते हैं, ये एनिमेशन का प्रीव्यू और ये पूरी करंट स्लाइड का प्रीव्यू, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। चले मैं इसी को प्रीव्यू कर देता हूँ, यहाँ पे पहले आंसर आया इसके बाद दूसरा आया तो तीसरा एक साथ चला। अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर लूँ करंट स्लाइड, ये देखा मैंने बटन दबाया, पहले आंसर आया फिर बटन दबाया ऊपर से टॉप से आया, अब तीसरी एनिमेशन क्या थी, वो ऐसे से हिल रहा था, हिल रहा। तो ये सारे इफेक्ट है नंबर वाइज, ये सारा आपने कहाँ से करने, नंबर को सिलेक्ट करेंगे, मूव अर्लियर पे करेंगे तो वन पे आ जाएगा, मूव लेटर पे करेंगे टू पे चला जाएगा, ऊपर नीचे नंबर यहाँ से होंगे, ठीक है। अगर आप इसको नंबर दबा रहे हैं नंबर नहीं होगा, वहाँ से वहीं से होगा, मूव अर्लियर मूव लेटर। अच्छा मूव अर्लियर का मतलब क्या है, इंग्लिश का लफ्ज़ है, आप बताएं अर्लियर का मतलब क्या है, अर्लियर पहले, सही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आई एम गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, ठीक है, उठ गए सुबह सवेरे, सही है। और आप लेटर आपको पता है बाद में, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को, यहाँ तक तो बोर नहीं हुआ ना, ठीक है। नेविगेट स्लाइड एनिमेशन टैब, तो यहाँ पे आपके पास करंट स्लाइड को शो करने का एनिमेशन को शो करने का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। द एनिमेशन पेन, अच्छा यहाँ पे देखें एनिमेशन में पेन में क्या होगा, द एनिमेशन पेन अलाउज यू टू व्यू द व्यू एंड मैनेज ऑल ऑफ द इफेक्ट डेट आर ऑन द करंट स्लाइड, यू कैन मॉडिफाई, आप इसको एडिट कर सकते हैं, ये एंड रीऑर्डर इसको अरेंज कर सकते हैं कि पहले कौन सा शो, दूसरे पे क्या शो, तीसरे पे क्या शो, वो हम लोगों ने डायरेक्टली कर लिया, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि एनिमेशन पेन से भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, एनिमेशन पेन विल ओपन ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो, ये देखें ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने कितनी स्लाइड कितनी एनिमेशन लगाई, तीन, मैं चाह रहा हूँ इस नंबर पर भी अप्लाई कर दूँ, नंबर को सिलेक्ट किया फ्लोट कर दिया, ठीक है, ये चौथे नंबर पे शो होगा, चलें ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं एनिमेशन पेन नज़र आ रहा है, तो ये आपको शो हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ आंसर टेक्स्ट, इसको उठा के नीचे लेते हैं सबसे नीचे, तो मतलब ये सबसे एंड में शो होगा, चार नंबर आ गया नीचे, आप लोगों ने नंबर नोट किया, नंबर भी चेंज हो गया, हो गया। अच्छा हु आज दफ, ये जो सवाल है ये दो एनिमेशन लगी है, यहाँ से चेक करते हैं डिलीट होती ही नहीं होती, रिमूव हो गया, एक एनिमेशन मैंने रिमूव भी कर दी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ नंबर पहले शो हो, इसके बाद सवाल शो हो, इसके बाद आंसर शो हो,
तो नंबर का सीरियल नंबर क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि नंबर तो पहले आएगा ना, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर ये 2 पे आ रहा है, अब मैं इसको 1 पे करता हूँ, मूव अर्लियर कर लूँगा तो ये 1 पे आ तो गया। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो क्वेश्चन को उठा के, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर ऊपर उठा के ऊपर ले आए, ये 1 हो गया, और हु आज ये सर सवाल है, ये सेकंड पे आ गया और थर्ड पे आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको करंट स्लाइड को ओपन करता हूँ, चलें यहाँ से प्रीव्यू कर लेता हूँ, यहाँ से पहले वो आया, नंबर आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ठीक है। लेकिन ये आएगा कब? जब आप इस माउस पे क्लिक करेंगे, ये देखें पहले सीरियल नंबर आया, ठीक है। सीरियल नंबर नीचे से ऊपर क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने इसकी पर्टिकुलर एनिमेशन लगाई थी। अगर आप चाहते हैं चेंज करें, आपके पास बहुत सारी एनिमेशन है, कोई सी भी लगा सकते हैं। फिर मैंने स्पेस दबाया तो ऊपर से टेक्स्ट आया, और आपसे सवाल पूछा, आप लोगों ने दबा लगाया, नहीं आंसर आया, तो फिर आखिर में मैंने दोबारा बटन दबाया तो आंसर आपके पास शो हो गया, ठीक है। मुश्किल तो नहीं ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेंथी है, मुश्किल नहीं है, और सबसे मेन टॉपिक ही है, ठीक है। और चलें इसके बाद चलते हैं सिलेक्शन पेन, यहाँ से भी आपके पास सिलेक्शन पेन शो होगी, अगर आप जिस चीज़ को हाइड करना चाहें वो हाइड भी हो सकती है। जाना चाह रहे हैं? चलें एक काम करते हैं, एनिमेशन पेन हो गया आपको, यहाँ से ऊपर नीचे इसको मूव कर सकते हैं, ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं जो एनिमेशन रिमूव करना चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन इफ़ यू हैव अ सेवरल एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, इट में हेल्प टू रीनेम देम बिफोर, आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर रीऑर्डरिंग देम इन द एनिमेशन पेन, ठीक है। ट्राई करते हैं एनिमेशन ये रीनेम होता है कि नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जाके चेक करते हैं, रीनेम आ रहा है, नहीं आ रहा। फिलहाल ये बताना चाह रहा है कि जो आपके पास टेक्स्ट होगा ना, उसके स्टार्टिंग के वर्ड्स आपके पास शो हो रहे होंगे। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं, ये हुआ था, ये स्टार्टिंग जो वर्ड्स आ रहे हैं ये शो हो रहे हैं, और ये आपके पास आंसर का टेक्स्ट है, ये स्टार्टिंग के वर्ड्स शो कर रहा है कि ये कौन सी लेयर है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, आप काम क्या किया? अच्छा ठीक है, यू कैन रीनेम देम इन द सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन में जाके आप इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। टू ओपन द सिलेक्शन पेन, क्लिक द ऑब्जेक्ट, क्लिक एन ऑब्जेक्ट, देन फ्रॉम दैट फॉर्मेट टैब क्लिक सिलेक्शन पेन। अच्छा ये बताएं, ये सिलेक्शन पेन कहाँ से मिलेगा आपको? फॉर्मेट से मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमें सिलेक्शन पेन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा, फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो सिलेक्शन पेन यहाँ पे शो होना चाहिए, आ गया। मैं फिलहाल इसको बंद करता हूँ एनिमेशन पेन को, और सिलेक्शन पेन को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन के ऑप्शन आ रहे हैं। लेट सपोज मेरे पास ये आंसर है, मैं इसको आई पे क्लिक करता हूँ, ये गायब हो गया शो करने के लिए। अब मैं इसको दोबारा शो करता हूँ, ये शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ठीक है, अच्छा मैं क्वेश्चन गायब होना चाह रहा हूँ, आई पे क्लिक करता हूँ, क्वेश्चन गायब हो गया, दोबारा आई पे क्लिक करता हूँ, आँख खोल गई तो शो हो गया, ठीक है। अच्छा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो चेक करते हैं ये रीनेम होता है या नहीं होता है। इसको सेलेक्ट किया, इसको 1 कर देते हैं, एंटर किया, अब हमारे पास 1 के नाम से शो होगा, क्वेश्चन टेक्स्ट ये आ गया और ये आंसर टेक्स्ट आ गया। इसको रीनेम करना, डबल क्लिक किया तो इसको रीनेम कर सकते हैं, अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं, आंसर ठीक है, एंटर किया आ गया। तो सिलेक्शन पेन में जाके रीनेम कर सकते हैं, और इसको हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। लेकिन दोबारा बता रहा हूँ कि अगर लेट सपोज इस स्लाइड में है तो क्या करना है, फॉर्मेट के टैब में जाना है, यहाँ से फॉर्मेट नहीं ढूंढना, अगर इस पर अप्लाई किया ट्रांजिशन तो इसके फॉर्मेट पर जाना है, सिलेक्शन पेन में जाना है, ठीक है। दोबारा ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आपके पास राइट साइड पे एक पेन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको रीनेम भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, अगर आपने इसको डिलीट वगैरह करना हो तो आपके सामने एनिमेशन का टैब में एनिमेशन पेन आ रहा होगा, आप इसको रीनेम कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर में कर सकते हैं, और अगर राइट क्लिक करें इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। किसको? एनिमेशन को, ठीक है। एनिमेशन रिमूव हो रही, टेक्स्ट रिमूव नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया सबको, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अच्छा, टू रीऑर्डर द इफेक्ट फ्रॉम द एनिमेशन पेन, आपको रीऑर्डर करना बता दिया कि इसको ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे तो रीऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। टू प्रीव्यू द इफेक्ट फ्रॉम द एनिमेशन, यहाँ से प्ले ऑल करके चेक करेंगे प्रीव्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे जंप करते हैं, आप देखते हैं पहले कि रे कितना गया, सही है, यहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी है। टू चेंज एन इफेक्ट स्टार्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट ऑप्शन रह गया, इसके अलावा इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स रह गया,
ठीक है, इसको बाद में ट्राई करते हैं, थोड़ा सा रह गया, एक सांस ले लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कहाँ तक जाना है, एनिमेशन पेन हो गया कवर, और यहाँ पे सिलेक्शन पेन जहाँ तक हो गया। अभी कोशिश करें कि आप एक स्लाइड के ऊपर जो आप लोगों ने एनिमेशन अप्लाई की है, इस तरह की 7-8 स्लाइड हैं टोटल टोटल यहाँ पे, ठीक है, इनमें एक एक स्लाइड को बार बार अप्लाई करें, अलग अलग तरीके से अप्लाई करें एनिमेशन, आपको प्रैक्टिस होगी, और जब हम लोग रनिंग में आ जाएंगे, पटरी पे आ जाएंगे, फिर इसके ऊपर मजीद काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप देखें द इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। अच्छा, इफेक्ट असर क्या होगा, इसके भी ऑप्शन होता है। ठीक है, यानी टेक्स्ट वर्ड वर्ड वन वन वर्ड या एक एक अल्फाबेट की तौर पे शो होगा या एक साथ शो होगा, इसके हवाले से पढ़ते हैं। फ्रॉम द एनिमेशन पेन सेलेक्ट द इफेक्ट। ठीक है, एनिमेशन पेन में जाएंगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, किसके ऊपर, किसी भी एक स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कितनी एनिमेशन अप्लाई की हुई, 3। ठीक है, तो पहले मैं चाह रहा हूँ इसका एनिमेशन पेन ओपन कर लूँ। कैसे ओपन होगा, तो यहीं पे एनिमेशन के टैब में एनिमेशन पेन आ रहा होगा, तो ये आपको पास शो हो गया। मैं चाह रहा हूँ आंसर के ऊपर, आंसर कैसे शो हो, एक एक वर्ड शो, तो इसी को मैं क्या किया, इफेक्ट ऑप्शन ओपन किया इसके, क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं ऑल एट वंस, सारे एक साथ शो हो जाए। मैं चाह रहा हूँ नहीं यार, बाय वर्ड, एक एक अल्फाज शो। ठीक है, इसको ओके करता हूँ, एक एक अल्फाज आ रहे हैं यहाँ पे, देखें। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ एक एक अल्फ़ाबेट हो, अल्फाज नहीं अल्फ़ाबेट। ठीक है, वर्ड की बात नहीं हो रही, अल्फ़ाबेट की बात हो रही है। तो सेम इसी में जाता हूँ, इफेक्ट ऑप्शन में जाता हूँ, इसके बाद बाय लेटर, एक एक लेटर आएगा, ओके करता हूँ, आया समझ में। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों से, तो जो आप करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो पर्टिकुलर एनिमेशन आप अप्लाई करेंगे वही एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी। अगर आप साउंड लगाना चाहते हो, आप साउंड भी लगा सकते हैं, मैं साउंड भी चेक करवा देता हूँ आपको। ठीक है, इस एनिमेशन में क्लिक किया, एनिमेशन पेन को ओपन किया, और यहाँ से इस आंसर के ऊपर साउंड भी लगा देता हूँ, तो साउंड यहाँ से आता है, साउंड कोई सा भी हो सकता है। मैं यहाँ पर बॉम्ब लगा देता हूँ, बॉम्ब, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। ठीक है, और साउंड आपके पास शो हो रहा है, आवाज़ थोड़ी कम है, थोड़ा कान और से लगाएं। ठीक है, ये आवाज़ कहाँ से ही चलें, एक मिनट, आंसर पे बम फटेगा। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट, आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि आवाज़ कम है। ठीक है, आवाज़ आई नहीं है लेकिन आवाज़ वहीं से आएगी। ठीक है, अरे यार यहाँ से वॉल्यूम भी उठाना पड़ जाए। हाँ, ये वाला बम है, ठीक है, सही कह रहे हैं। चले करंट स्लाइड को शो करते हैं, 1 2 चेक करते हैं आवाज़ आती है, आई ना। अच्छा, नीचे मदरसे के बच्चे सोए हैं, वो डर ना जाए। ठीक है, तो ये आप इस पर साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं, ये अभी तक आ रही है, वैसे मजा आ रहा था, दोबारा ऑन करते हैं। ठीक है, आप देखें 1 2 3 स्टार्ट, चले ऐसा करते हैं, आवाज को थोड़ा चेंज करें, बॉम्ब थोड़ा सा ड्राउना है, तो बॉम्ब से हटा के ब्रीज, ठीक है, रन करते हैं, 1 2। ये सच्ची में जहाज जा रहे हैं क्या बाहर से, असल में हमारे पास एयरबेस भी है यहाँ पे, आप लोगों को पता होगा। चले ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे, चले ठीक है, क्लोज करो मैं यहाँ पे। टू चेंज द इफेक्ट टाइमिंग, आप टाइमिंग भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, टाइमिंग। ठीक है, फ्रॉम द इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द टाइमिंग टैब, आप टाइमिंग भी इसकी लगा सकते हैं। ठीक है, आप 0.5 सेकंड, 3 सेकंड, जितना भी रखना चाह रहे हो आप एनिमेशन के ऊपर, स्लाइड के ऊपर नहीं कह रहा मैं, एनिमेशन कितने टाइम तक आएगी उसके ऊपर टाइमिंग लगेगी, ये बात याद रखना। ठीक है, अगर आंसर पे, आंसर के ऊपर एनिमेशन लगाई ना, नीचे से आ रहा है, तो आंसर 3 सेकंड का शो होगा, पूरी स्लाइड की बात नहीं कर रहा, पूरी स्लाइड की जो टाइमिंग है वो यहाँ से शो होती है ट्रांजिशन पे, ये। ठीक है, ये स्लाइड को चेंज करना 2 मिनट बाद, तो यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने एनिमेशन पर टाइमिंग लगानी है तो क्या करना है, एनिमेशन में जाके एनिमेशन पेन को ओपन करना है,
और अच्छा एक मिनट, स्लाइड मिक्स हो गई है, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे एनिमेशन पेन इसका आंसर है, इसको स्लाइड ऑप्शन ओपन करूँगा, इफेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे टाइमिंग में जाके टाइम सेट करेंगे, एनिमेशन का टाइम आएगा, एनिमेशन कितनी देर तक घूमती रहेगी, ठीक है। अच्छा 3 सेकंड यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा सा सेलिंग स्टार्ट हो रहा है, आज के लिए सिर्फ ये काफ़ी है। अब इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, आपको 10 मिनट के बाद जो है ना आपको 10 सवाल दे रहा हूँ आंसर के साथ, ठीक। ये ऐसा करते हैं, हाँ 10 दे देता हूँ, आप इसको वर्ड की फाइल बना के अपने पास रख लें और कल जब आएंगे उसी के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। कल मैं पहले पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद प्रैक्टिस किसकी करेंगे, 10 MCQs की बनाने की, और MCQs बनाने के बाद उसका साइज भी मैं यहाँ पे दोबारा आज मेंशन कर देता हूँ, आपने साइज कैसे रखना है, ठीक है। और बताएं, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको 10 सवाल दूंगा और उसमें सही और गलत का आपको ऑप्शन दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अभी आप लोग प्रैक्टिस करें, चैलेंज को पूरा करें, इस चैलेंज को अपलोड करें, मैं भी आपको असाइनमेंट भी दे रहा हूँ।